आपने भजन ऋषि में चर्चा में सुना है, शिव जगत गुरु है, शिव आदि गुरु है, शिव गुरुओं का गुरु है, शिव मेरा गुरु है, शिव आपका भी गुरु है। आसानी से इसी के लेकर के हम आप उपस्थित होते हैं। जो चलो भाई, अपने गुरु की चर्चा है, कुछ ज्ञान के लिए हम लोग उपस्थित हुआ करते हैं शिव गुरु पर चर्चा। यहाँ पर कोई महात्मा साधु महात्मा नहीं है, कोई भी गिरुआ वास्तव नहीं है। हम लोग यहाँ इस चर्चा स्थल पर सभी गुरु भाई एवं सभी गुरु बहन मिल करके अपने शिव को गुरु को भजन के माध्यम से गप सबका माध्यम से हम लोग गुरु की चर्चा कर रहे हैं। भाई बहन अभी गुरु बहन गुरुना भजन गाई सोचने की बात है। शिष्या पुकारे गुरु चलाए भाई, जिसका मन पवित्र रहता है, सच्चा दिल रहता है, कहीं पर जाइएगा जैसे देखते हैं प्रदेश की कोई ठहरता है, कोई दिल्ली बम्बई कलकत्ता मद्रास या प्रदेश में ही रहता है, जो अपना गोसावन का देखते हैं, यहाँ देश में गोसावन रहता है और वहाँ शादी मटकोर सब कर लेते हैं। क्यों कर लेती है? गोसावन है देश में, आप विदेश में आप पूजा मटकोर सब कर लेते हैं, सच्चे दिल से मन से अपना गोसावन का नाम से आपने कहीं पर एक मुड़ी फूल देते हैं सच्चे दिल से। अगर आप गोसावन को मानते हैं तो आपको पूजा सफल हो जाता है, वो मान लेते हैं, क्योंकि मन पवित्र होना चाहिए। अभी बहन गुरु गुरु बहना का ही ना शिष्या पुकारे गुरु चले आएंगे बहना, ये सही बात है। आप मन पवित्र करके आप कहीं पर पुकारिएगा, आपको सहारा हो जाएगा, हो जाते हैं। गुरुदेव कहाँ है? हमें आप में खड़े खम में हर जगह गुरुदेव है, नहीं है सुबह नहीं है, प्रतिपल रहते हैं हमें आपका साथ, क्योंकि वैसा मन रहना चाहिए, दिल रहना चाहिए, भावना रहना चाहिए। हम आप कहते हैं भाव, सच्चे भाव मन से पुकारिएगा तो आपको हर चीज पूरा हो जाता है। हम आप कहता ना भाई लोग, ये तीन सूत्र करना है, शिव गुरु से जुड़ना है, तो भाई बहन हम लोग तीन सूत्र करते हैं। तीन सूत्र क्या क्या है? ये कोई समय का बंधन नहीं है, कोई खाने पीने का भी बंधन नहीं है, कोई कहता नहीं मन सच्चा था कठौती पे गंगा, पर पुराने जमाने का कहानी है। हमने आपका बाप दादा भी कहते थे, रे बुढ़वा सच्चे दिल से पुकारने नहाने का क्या जरूरत है, नहाने सुनाने के क्या जरूरत है, सच्चा कौन नहाना चाहिए। कब ना कहा जब मन चल रहा था कठौती में गंगा, और हम आप कल पर नहाते हैं आप पानी छींट लेते जय मां गंगे, क्योंकि मन पवित्र के लिए, मन पवित्र है तभी। उसी तरह हम आप तीन सूत्र क्यों करते हैं? कहा गया है तीन सूत्र करना है, शिव गुरु से जुड़ना है। तो गुरु को कौन है? शिव है। हम आप शिव से जोड़ते हैं, और भाई बहन बहुत सा गुरुकुल है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सा गुरुकुल है, लेकिन हर चीज में अलग अलग विधि है, विधान है, हर चीज है, लेकिन मेरे शिव गुरु कुल में कोई विधि विधान का जरूरत नहीं है, केवल तीन सूत्र की जरूरत है। तीन सूत्र है क्या? हम आप कीजिएगा तब ना, नहीं हम आप करते हैं तो कहाँ से होगा। कहा गया बहुत सा गुरु भाई बहनों कहती है जब मेरा काम पूरा नहीं होता है, अरे भाई मेरा काम पूरा क्यों नहीं होगा? अवश्य होता है, क्यों नहीं होगा?
हम आप जब गुरु को मानिएगा तो पूरा अवश्य पूरा कर देते हैं। तीन सूत्र में कहता है, पहला सूत्र अपने गुरु से दया।